आप सबको नमस्कार और ओम शांति। आज के 315वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें तीसरे नेत्र के बारे में थोड़ी सी झलक देते हैं, जो कि देखा जाए तो हम जाकर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसके बारे में सारा ज्ञान लेते ही हैं कि थर्ड आई क्या है, तीसरा नेत्र क्या है और तीसरे नेत्र का ज्ञान क्या है। लेकिन इस वरदान में हम थोड़ी सी इसकी झलक देखेंगे। तो परमपिता परमात्मा में कहते हैं, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भवा। अब ये साक्षात्कार कैसे कराएं किसी को तीसरे नेत्र का, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जो योगी बैठे होते हैं उनके यहाँ पे से तीसरा नेत्र दिखाते हैं। अब कोई तीसरा नेत्र तो खुलने वाला है नहीं, एक ये नेत्र हो गया, एक ये नेत्र हो गया। इन दो नेत्रों से हम जगत को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, भौतिक जगत को। लेकिन इस भौतिक जगत में जो आत्माएं हैं वो क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, उसको समझने के लिए हमें अपने तीसरे नेत्र को, आत्मिक नेत्र को, महसूसता को क्लीन और क्लियर करना पड़ता है, ताकि हम चीज़ें बहुत दूर तक देख पाएँ, आत्माओं को पहचान पाएँ, समझ पाएँ। तो परमात्मा कहते हैं वो है तीसरे नेत्र का ज्ञान। फिर बाबा कहते हैं, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। तो परमपिता परमात्मा का शरीर नहीं है, वो संपूर्ण तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री कहा जाता है इनको। तो त्रिनेत्री वो हमें क्या देते हैं, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, बहुत सारे नाम ऐसे। तो संपूर्ण त्रिनेत्री परमात्मा पिता है, क्योंकि उनके पास में ये दो फिजिकल नेत्र नहीं हैं। तो उनके साथ जब हम कनेक्शन में बैठते हैं, परमात्मा के साथ में मेडिटेशन में, तो वो हमारे तीसरे नेत्र को साफ करते हैं। आँखों में कभी कभी मिट्टी घुस जाती है ना, कभी कभी कंकड़ घुस जाए तो, है ना, तो क्या होती है, हम आँखों में क्या करते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं आँखों को साफ करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के अंदर कंकड़ घुस गए हैं, आत्मा के अंदर मिक्सचर हो गया है, चाहे वो काम क्रोध लोभ अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे घृणा हो, चाहे नफरत हो, आलस्य अलबेलापन हो, ये सारे कंकड़ आत्मा के अंदर घुस गए संकल्प के रूप में। तो तीसरा नेत्र परमात्मा त्रिनेत्री हमारे उस कंकड़ को निकाल सकते हैं। इसका कंकड़ तो हम हाथ से निकालेंगे, किसी चीज़ से निकालेंगे, लेकिन इसका कंकड़ तो केवल परमात्मा निकाल सकते हैं, जो कि उसके लिए हम मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, इसको कहते हैं उनकी याद में रहना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, सब क्या करना है, परमात्मा की याद से करना है। उसका मेथड तो सिखाया था ब्रह्मा कुमारी इसमें। फिर बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई, है ना। तो परमात्मा कहते हैं एक बाप दूसरे हम आत्माएं और तीसरा ना कोई, क्योंकि तीसरा अगर इसमें आएगा तो तीसरे की तो छवि क्या आएगी, शरीर की छवि याद रहेगी आपको, चाहे वह माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बहन है, चाहे बंधु है, चाहे सखा है, साथी है, संबंधी हैं, जो भी हैं। तीसरे नेत्र में अगर कोई शरीरधारी याद आया तो परमात्मा के लिए जगह नहीं है। अगर शरीरधारियों के लिए इमोशंस हैं आपके पास में, इमोशंस मतलब ये नहीं कि आपके उनके प्रति घृणा हो या नफरत हो, इमोशंस मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंसी के, प्रेम के लिए इमोशंस हैं कि मुझको कुछ मिले उनसे, मुझे उनसे शांति मिले, कुछ मीठे मीठे उनके वाक्य सुनने को मिले, वो मेरी तारीफ करें, ये अगर इमोशंस हैं हमारे अंदर, इसका मतलब हमने घर किसको किया हुआ है, परमात्मा को घर नहीं किया हुआ है, हमने उन आत्माओं को अपने बुन और बुद्धि में जगह दे दी है। इस कारण से दुख होता है, और जब दुख होता है तो क्या होता है, तीसरा नेत्र खुलता नहीं है, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई, उससे फायदा क्या होगा, तीसरा ना कोई से ये नेत्र हमारा ज्ञान का नेत्र, विजडम खुला रहेगा। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा, और को फिर फील महसूसता होगी कि हम कोई पावरफुल आत्मा है, जो कि परमात्मा और आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं, मतलब उनको महसूस करा सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं, हल्कापन महसूस करा सकते हैं। दुनिया की सारी आत्माएं इन नेत्रों से सुख ढूंढ रही हैं, खुशी ढूंढ रही हैं, शांति ढूंढ रही हैं, शक्ति ढूंढ रही हैं। परमात्मा कहते हैं इन नेत्रों ने तो कुछ दिया नहीं अभी तक, तो क्यों ना हम तीसरे नेत्र का ज्ञान लेकर के हम सुख शांति प्रेम पालें, और उसी तरीके से हम औरों को भी महसूस करा पाएँ, साक्षात्कार करा पाएँ कि तीसरे नेत्र से ही आप सब कुछ पा सकते हो। फिर बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा,
और हमारा ब्रह्म कुमारी स्वयं जब पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा कभी कभी तीसरा नेत्र बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, ये पुरुषार्थ चलता रहता है जब तक हमारा तीसरा नेत्र कंप्लीटली खुलना चाहे। तो परमात्मा कहते हैं तीसरा नेत्र पूरा खुलना मतलब कि मन की सफाई हो जाना, मन की धूल हट जाना। तो वो जो कंकड़ है, जो मिट्टी है, जो घुस गई है, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या घृणा, वो किससे होगी? काम वासना व्यक्ति से, क्रोध किस पे आएगा? व्यक्ति पे आएगा। लोभ किसका होगा? चीज़ों का होगा, किसी की धन की, किसी प्रॉपर्टी का लोभ होगा। अहंकार किसका होगा? मैं किसी से बड़ा हूँ, बेहतर हूँ। तो ये उसके लिए तो व्यक्ति चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, या कोई चीज़ चाहिए कंपेयर करने के लिए। और चीज़ होगी तभी तो व्यक्ति याद आता है। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें जब होंगी हमारे अंदर अटैचमेंट के साथ में, तो फिर परमात्मा नहीं रह सकता, वहाँ विजडम नहीं आ सकती। मतलब इन चीज़ों के साथ में फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, इन्हीं से हम सुख भोग रहे हैं, इन्हीं से हम शांति ले रहे हैं, इन्हीं से हम खुशी ले रहे हैं, लोगों की बातें सुन करके खुशी ले रहे हैं, लोग गिर रहे हैं नीचे तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम ईर्ष्या में आ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपके मन बुद्धि में तो मेरी जगह नहीं है, उनके लिए जगह है आपके मन बुद्धि में, तो फिर मैं आपके घर में कैसे रहूँगा? तो आपका नेत्र बंद हो जाएगा, मैं प्रवेश नहीं कर पाऊँगा आपके घर में। परमात्मा अगर हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाए तो परमात्मा कहते हैं फिर आपका तीसरा नेत्र बंद और दुख की दुनिया शुरू। फिर बाबा कहते हैं तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई वो व्यक्ति भी नहीं हो सकता है, वस्तु भी नहीं हो सकती जिससे कि हम सुख या खुशियाँ या सेवन कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसे हम खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सुख एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर तो मेरे लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी, तुम दुनिया से ही फिर सुख लो, शांति लो, अल्पकाल की, थोड़े समय की, फिर मेरे पास मत आना। तो हमें करना क्या है? हमें परमात्मा को अपने घर में, अपने मन और बुद्धि में जगह देनी है। उसके लिए हमें विधि सीखनी पड़ती है, और विधि कहाँ सीखते हैं? ब्रह्मा कुमारी स्कॉल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। हर दिन परमात्मा हमें ज्ञान दे दे करके, जो होता है ना जैसे पत्थर के ऊपर अगर पानी गिरता है तो पत्थर क्या होता है? घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है। जब तक आप तलवार को अगर आप बार बार हथौड़े से गर्म करके नहीं मारोगे तब तक तलवार आपको शेप नहीं देगी। तो हम भी परमात्मा कहते हैं कि हमारी भी मूर्ति बना रहे परमात्मा, हम भी तलवार हैं, तलवार के ऊपर परमात्मा बार 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 वो ज्ञान दे करके, जिसको मुरली कहते हैं, मुरली सुना सुना के, सुना सुना के, सुना सुना के, बार बार एक ही हथौड़ा, एक ही हथौड़ा, एक ही जगह पर मारते रहो तो तलवार भी पतली धार वहाँ पर आती है, वो और तीखी होती जाती है। तो परमात्मा वही करना चाहते हैं हमारे साथ में। अब ये मुरली क्या, ये ज्ञान के या ब्रह्म कुमारी में जाके सीख सकते हैं। आपकी शुभ रात्रि हो। ओम शांति।